डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में मेहू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में सम्मानित किया गया क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही संविधान सभा ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया था। अम्बेडकर जयंती को मनाने के पीछे का कारण जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों को लड़ने में न्यायवीद के समर्पण को याद करना है। बाबा साहेब की जयंती है, उस अवसर पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और हम सभी अम्बेडकर जी को संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। भारत के वो पहले कानून मंत्री थे और एक समान भारत का उन्होंने जो सपना देखा था उसको उन्होंने एक संविधान के रूप में निर्मित करके इस भारत को आगे चलाने के लिए रूपरेखा तैयार की। आज हम सभी को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहते हैं और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका जीवन अपने आप में एक शिक्षा था, उनकी जीवन शैली के अनुसार, उनके दिखाए सपने के अनुसार या रास्ते के अनुसार हम सभी लोग आगे बढ़ें और समाज में एक रूपता, भाईचारा और आगे विकास की ओर अग्रसर हों, ऐसी मेरी कामना है। और हम सभी लोग एक अटूट और एक समान भारत को आगे लेकर चले, ऐसी हम कामना भी करते हैं और ऐसी हमारी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं और बधाई है।